मलाई कोफ्ता का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है और आज की रेसिपी हम रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता लेके आए हैं विजय हल्दिया यानी कि मेरी मॉम एंड द फाउंडर ऑफ जायका का तड़का के संग, जो कि आपको बहुत ही आसान तरीके से मलाई कोफ्ता की रेसिपी सिखाएंगी. राइट, ये रेसिपी ऐसी है जो बचपन से मैं खाती आई हूँ मॉम के हाथ की, तो इसको जरूर बनाइएगा, गारंटी बहुत टेस्टी और अच्छी बनेगी. सो मॉम स्टार्ट करें रेसिपी. बिल्कुल, ये मैं 1 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ. अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और जायका का तड़का फॉलो करना मत भूलिएगा. अब इसमें हम ये अदरक हरी मिर्च, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने ये ग्रेट किया हुआ है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है वो मैं ग्रेट किया है वो इसमें डाल रही हूँ, और 1 हरी मिर्च बारीक चौकी हुई वो डाल रही हूँ इसमें. ये खड़े मसाले हैं, 4 से 5 काली मिर्च है, 1 बेलीज है, 2 इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है वो इसमें डाल दिया है. अब इसमें मैंने ये 2 मीडियम साइज के अनियन लिए हैं, इनको मैंने काट लिया है, रफली चॉप किया है. आप विदाउट अनियन भी बना सकते हैं, स्किप करें, आप खाली टोमेटो ग्रेवी बना सकते हैं जो लोग अनियन नहीं खाते हैं इसमें. तो मैम कौन सी फ्लेम पे हमें अनियन को सॉटे करना है? ये फुल फ्लेम पर कर रही हूँ मैं. अच्छा, देखिए जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं आप ही की जैसी मॉम्स की किचन्स में जाके. तो बताइएगा, गारंटी हमारी कि ये रेसिपी आपके यहाँ भी ऐसी ही बनेगी, और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में. देखिए 1 मिनट हो गया है और हमारे प्याज ने कलर चेंज हो गया है, ये पिंकिश हो गए हैं. अब इसमें मैं ये 4 से 5 काजू डाल रही हूँ. कैश्यूज ये क्यों डालते हैं मामा? इससे इसका ग्रेवी का रिचनेस भी आती है और थिक भी हो जाती है और टेस्ट भी बहुत बेटर हो जाता है इसका. अच्छा. जो भी ग्रेवी वाली रिच सब्जियां होती हैं उनमें काजू डालने से उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत बढ़िया हो जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी सब्जियां बनती है वो. अब ये 2 टोमेटो लिया मैंने मीडियम साइज के, वो चॉप कर लिया रफली चॉप और उसमें डाल दिया है. अब हम इसको भी कुक कर लेंगे टोमेटो को. तो इनको आप इसको ज्यादा फाइनली मत चॉप करिएगा क्योंकि इसकी ग्रेवी बनेगी. अभी भी बने, फाइनली चॉप नहीं किया मैंने, रफली कर लीजिए बस आप भी. अभी हम इसको कितनी देर तक सॉटे करेंगे? बस ये थोड़े सा सॉफ्ट हो जाए, टमाटर अपने कुक हो जाएंगे तो इसका कच्चापन भी निकल जाएगा टोमेटो और अनियन का. ये देखिए हमारे इसे कुक हो चुके हैं, हमारे अनियन और टमाटर दोनों कुक हो. अब इसमें थोड़ा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं. तो मॉम इनको अच्छे से थोड़ा कुक करना है, राइट? थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इनका कच्चापन भी निकल जाएगा और उससे कलर भी अच्छा आता है जैसा आप बता रहे थे. बिल्कुल, सब्जी का कलर बड़ा अच्छा आता है. अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी 5 से 7, या तो फैन के नीचे रख लीजिए. ठंडा होने के बाद ही इसको ग्राइंड करना है, इसकी ग्रेवी बनानी है हमको. अच्छा, तो इतने मैं कोफ्ते उतार रही हूँ, इसको मैं ठंडा करने के लिए रख रही हूँ. तो यहाँ पे कोफ्ते की सारी तैयारी मॉम ने कर रखी है, जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम कोफ्ते बनाना आपको सिखाते हैं. ये मैंने 3 बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लीजिए, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से. और ये मैंने 1/2 बॉल वो लिया है पनीर है, उसको ग्रेट कर लिया है. तो आप मैश भी कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं, थे बस लम्स नहीं रहे ज्यादा. और ये घर का बना हुआ पनीर है, वो होममेड पनीर है, होममेड पनीर है. या अब इसमें मैं 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ फॉर बाइंडिंग, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा गरम मसाला पाउडर, ये जीरा पाउडर है और ये धनिया पाउडर, ये मैंने डाल दिया है. अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे और इनके बॉल बनाएंगे.
सो देखिए, अगर आपको सॉफ्ट पनीर बनाने की टिप चाहिए तो हम कमेंट्स में उसका भी वीडियो रेसिपी डाल देंगे कि घर में आप बाजार जैसा सॉफ्ट पनीर कैसे बनाएं, एक सीक्रेट टिप है उसके लिए। और अभी ये जो मलाई कोफ्ता बन रहा है, आपको इसकी रेसिपी कैसी लग रही है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, वी वुड लव टू नो। ये देखिए, इसको मिक्स कर लिया अच्छे से, लम्स नहीं रहे कोई भी आलू के पनीर के, अच्छे से मैश कर लिया इसको। अब हम इसके बॉल बनाते हैं। आप छोटे बड़े जिस भी साइज के आप चाहते हैं इसके बॉल आप, और किसी भी शेप में, ये देखिए। तो देखिए, अब हमने कोफ्ते बना लिए हैं यहाँ पे, और ये बन गए अपने कोफ्ते। और यहाँ पे मॉम ने तेल रख रखा है, कोई सा भी वेजिटेबल कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, उसको गरम कर लिया है। गरम कर लिया उसको। ये देखिए, अब तेल हमारा गरम हो गया, अच्छे से गरम हो गया। अब हम इसमें कोफ्ता डाल देंगे एक एक, और मीडियम कर लीजिए उसकी फ्लेम को, थोड़ा सा कम कर लीजिए तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब। अब थोड़ा सा कुक होने दीजिए इनको, फिर हम इनको फ्लिप करेंगे, पलटेंगे। सो देखिए, जब तक हमारे कोफ्ते सिक रहे हैं यहाँ पे, सो हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो चुका है, टमाटर प्याज का। ग्राइंडर में डाल रही हूँ ग्राइंड करने के लिए, मॉम इसको ग्राइंड करके लाएंगी अब। और यहाँ पे हमारे कोफ्ते बन रहे हैं गर्मा गर्म। मॉम, इनको फ्लिप करना है। ताकि ये चारों तरफ से कुक हो जाए अपने ये। देखिए, हमारे कोफ्ते हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे, कितने अच्छा कलर आया है मॉम, बहुत ही डिलीशियस भी लग रहा है। तो देखिए, अब ये रेडी है, ग्रेवी मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, ये देखिए। तो मॉम, इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना चाहिए अगर वो थोड़ी गाढ़ी बने। थोड़ा सा पानी डाल, बहुत चिन्ना सा, मतलब वन स्पून पानी। और यदि आपको बिल्कुल स्मूथ चाहिए तो आप ये चलनी से छान कर भी आप ये ग्रेवी काम में ले सकते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ी सी ऐसी अच्छी लगती है तो मैं इसे डायरेक्ट अच्छे से ग्राइंड कर लिया, फिर मैं इसको तैयार कर रही हूँ। तो अब हम ग्रेवी बनाएंगे। मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ, आप बटर या ऑयल जो भी खाते हैं आप वो डाल सकते हैं इसमें। थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी है तो थोड़ी घी में अच्छी लगेगी ये। अब इसमें हम थोड़ी सी राई डालेंगे, ये ग्रीन चिली डाल देंगे। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम टर्मेरिक पाउडर, ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ अब इसमें। इससे क्या है, मसाले का फ्लेवर और कलर दोनों ही बहुत अच्छा आएगा ग्रेवी में। कौन सी फ्लेम पे आप इसको? आप इसको मीडियम फ्लेम पर कर दिया। जब तक घी नहीं छोड़ता तब तक हमें इसको सेकने देना है, हमें इसको कुक करना है। और जरूरत है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, थोड़ी थिक लग गई है तो इसमें हम थोड़ा पानी डाल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मलाई कोफ्ता रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी हम आपको दिखा रहे हैं, जो दिखता है वही बनता है जायका का तड़का में, क्योंकि हम आपके लिए अनएडिटेड वीडियोस लेके आते हैं। गारंटी है आपकी किचन में भी ऐसा ही बनेगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कॉमेंट्स में हमें बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। बस इसको कुक करना है अपने को थोड़ी सी। अब हम इसको थोड़ा 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और कौन सी फ्लेम पे मॉम? ये मीडियम फ्लेम पर है, मीडियम टू लो। और आप इसको चलाते रहिए बीच बीच में एक दो बार। तो देखिए, अब हम इसको बीच में चलाते रहिएगा जब तक ये सिक रहा है।
ताकि ये चारों तरफ से इक्वली कुक हो जाएगी अपनी ग्रेवी। वो थोड़ा सा थिक लग रहा है, मैं इसमें पानी डाल दूँगी, अपने मिक्सी में जिसमें ग्राइंड किया था इसी में डाल रही है पानी। क्यों मलाई कोफ्ते हैं जो ग्रेवी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी अपने इसको पतली रखेंगे तो ग्रेवी दिखेगी इसमें। हमने फिर से ढक दिया है उसको। सो 2 से 3 मिनट हो गए हैं अब। तो मैम कैसे पता चलेगा ये कुक हो गया है? बस इसकी अच्छी एक तो खुशबू आने लग जाती है, और अपने कुकडी थे पहले भी टोमेटो और अपने जो अनियन थे वो कुकडी थे, और थोड़ा सा तेल छोड़ने लग जाता है और अच्छी खुशबू आने लग जाती है बस इसकी। हाँ। वो इसकी पहचान है। अब मैं इसमें ये होममेड फ्रेश मलाई है वो डाल रही हूँ। आप मलाई या क्रीम जो भी आप खाते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। मलाई तो क्या है मॉम, इजीली अवेलेबल रहती है तो सबको ही डाल सकता है। हाँ, तो ये मलाई का बहुत अच्छा ऑप्शन है और हेल्दियर ऑप्शन भी है क्रीम से। या और ये मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ, थोड़ी कसूरी मेथी ऐसे, ये रिच और जो रॉयल शाही सब्जियां होती है बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और एकदम रिच ग्रेवी बनी है। अब मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, पहले भी डाल दिया था मैंने सॉल्ट और थोड़ा सा भी डाला है, और अभी हम सब स्लो फ्लेम पे कर रहे हैं। ये देखिए अब रेडी हो गई अपनी है, इसकी रेडी हो गई है, और अब हमने गैस भी बंद कर दी है, राइट मॉम? थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, हाँ गैस बंद कर दी है मैंने, गैस बंद करके अब गरम मसाला ऐड करा है। तो कोफ्ते हम बाद में डालते हैं इज इट मॉम? हाँ अभी डालेंगे, पहले जैसे डाल के रख दो तो थोड़े से ज्यादा ये सॉफ्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, तो जब अच्छा गरम गरम आप या इमीडिएट डाल के फिर आप सर्व कर लीजिए तो भी चलेगा। अच्छा, और अगर किसी को शाम को खाना हो तो इस ग्रेवी को फिर से गरम कर लें और फिर कोफ्ते डाल दें? हाँ ऐसे कर लीजिए। अच्छा हाँ, जैसा भी आपका है तो दोनों तरफ से ही चलेगा ये। सो देखिए आप कोफ्ते डाल रहे हैं हम इसमें, ये डाल रहे हैं तो मलाई कोफ्ते हमारे बन चुके हैं गर्मा गर्म। अब आप इनको सर्व करिए। वो मुंह में पानी आ रहा है मॉम, जिस तरीके से आप सर्व कर रहे हो मन कर रहा है अभी लंच खा लूं मैं अपना। अभी खाने के लिए बनाया है ये। कितना आसान रेसिपी है, घर में आप बाहर बाजार में जाते हैं एकदम हेल्दी तरीके से बनाइए, आप झटपट बना सकते हैं इसको, आधे घंटे का प्रिपरेशन टाइम आपको लगेगा, बहुत टेस्टी लग रहा है। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और जायका का तड़का इसमें फॉलो करना मत भूलिएगा। अब मैं इसमें ये थोड़ी सी ये फ्रेश क्रीम है वो डाल रहे हैं गार्निशिंग के लिए। ऑप्शनल है? ऑप्शनल है ये, ऑप्शनल है। और ये धनिया पत्ती डाल रही हूँ मैं जो, सो देखिए जो दिखता है वो ही बनता है जायका का तड़का में, गारंटी आपके मलाई कोफ्ते भी बहुत अच्छे बनेंगे अगर आप मॉम की स्टाइल से बनाएंगे। तो बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए विद दिस लवली मॉम है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे दोबारा जायका का तड़का में फिर से। बाय बाय एवरीवन।